हे गाइस वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में गाइस हम देखेंगे कि आप किस तरह सिर्फ एक क्लिक में आर्थर रॉथ के जैसे इस तरह की एडिट कर सकते हो। तो उसके लिए गाइस सबसे पहले तो आपको इस प्रीसेट को डाउनलोड करना है, जिसकी डाउनलोड लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। वहाँ पर से आपको डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद इस प्रीसेट को आपको लाइटरूम ऐप में ओपन करना है। तो यहाँ पर सेंड के बटन पे क्लिक करके लाइटरूम पे क्लिक करोगे तो आपका जो प्रीसेट है वो लाइटरूम ऐप पे इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको लाइटरूम ऐप को ओपन कर लेना है। अगर आपके पास लाइटरूम ऐप नहीं है तो उसकी भी डाउनलोड लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ पर से आप लाइटरूम ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो हमें लाइटरूम ऐप को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी फ़ोटो जो है, हमारी जो प्रीसेट है वो ऑल फोटोज़ में सबसे पहले जो है यहाँ पर वो मिल जाएगी। तो हमारी जो प्रीसेट है वो लाइटरूम ऐप में इंपोर्ट हो चुकी है। उसके बाद हमें अपनी फ़ोटो को लाइटरूम ऐप में ओपन करना है। तो सबसे पहले तो हम अपनी फ़ोटो को सेंड कर देंगे लाइटरूम ऐप पे, तो हमारी जो फ़ोटो है वो लाइटरूम ऐप पे इंपोर्ट हो जाएगी। अगर आपके पास लाइटरूम ऐप नहीं है तो उसकी डाउनलोड लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है दोस्तों, वहाँ पर से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो लाइटरूम ऐप को। तो उसके बाद लाइटरूम ऐप को हमें ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपकी फ़ोटो आ चुकी है तो हमें ओपन करना है। देन हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो अपनी प्रीसेट पे जाना है और यहाँ पे प्रीसेट पे जाने के बाद आपको थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे कॉपी सेटिंग का ऑप्शन होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो जितनी भी इफ़ेक्ट्स होगी प्रीसेट की वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। देन हमें राइट क्लिक कर देना है तो हमारी जो ऑल इफ़ेक्ट्स है प्रीसेट की सारी कॉपीड हो चुकी है। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि अपने फ़ोटो को फिर से ओपन करना है और यहाँ पर थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है। थ्री डॉट्स पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको नीचे में पेस्ट सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको फिर से क्लिक कर देना है पेस्ट सेटिंग्स पर। तो इससे क्या हुआ कि जितनी भी इफ़ेक्ट्स थी प्रीसेट की वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। तो देख सकते हो दोस्तों बिल्कुल सेम आर्थर रॉथ की यहाँ पे प्रीसेट के जैसे यहाँ पे इफ़ेक्ट अप्लाई हो चुकी है हमारी फ़ोटो में। तो बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है दोस्तों, इसको आप ज़रूर से ज़रूर यूज़ करें। तो उसके बाद हो सकता है आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़े, जैसे यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट थोड़ा इंक्रीज़ कर देंगे तो ज़्यादा फ़ोटो बेटर लगेगी। तो आप देख सकते हो दोस्तों पहले हमारी फ़ोटो किस तरह थी और अब किस तरह चेंजेस आ चुकी है हमारी फ़ोटो में। देन हम क्या करेंगे कि शेयर पे ये बटन पे क्लिक करके सेव टू डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो हमारी फ़ोटो जो है वो हमारे डिवाइस में सेव हो जाएगी। तो चलिए गाइस अब मैं दिखलाता हूँ आपको कि किस तरह आप बिना प्रीसेट के अपनी फ़ोटो को एडिट कर सकते हो लाइटरूम ऐप पर। तो सबसे पहले तो जितनी भी इफ़ेक्ट्स थी उसे मैंने हटा दिया। अब यहाँ पर शुरू से यहाँ पर हम एडिट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल्स वाले ऑप्शन पे जाना है, प्रोफाइल्स वाले टूल्स पे, और यहाँ पे आर्टिस्टिक 04 का ऑप्शन होगा उस पर आपको क्लिक करना है। देन आपको राइट क्लिक कर देना है तो यहाँ पे पहला इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। देन हम लाइट एडजस्टमेंट करेंगे लाइट वाले टूल पर जाके। सबसे पहले तो यहाँ पर एक्सपोजर को इनक्रीज़ करेंगे और यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे क्योंकि हमारी जो फ़ोटो है उसमें थोड़ी कॉन्ट्रास्ट की कमी लग रही है। उसके बाद यहाँ पे हाइलाइट्स को भी थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे और शेडोज़ के यहाँ पर बिल्कुल डाउन कर देना है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है शेडोज़ की, इसलिए यहाँ पे शेडोज़ को थोड़ा डाउन कर देंगे। देन वाइट्स को भी थोड़ा डाउन करेंगे और ब्लैक्स को भी थोड़ा सा डाउन कर देंगे। तो यहाँ पर लाइट एडजस्टमेंट बिल्कुल अच्छी तरह से हो चुकी है। उसके बाद हमें थर्ड काम करना है कि कलर एडजस्टमेंट, तो इस पर जाना है हमें और वाइब्रेंस को इंक्रीज़ कर देना है, वाइब्रेंस को इतना रख लेना है अप्रॉक्स। उसके बाद हमें मिक्स पर जाना है तो मिक्स पे जाएंगे। देन हम राइट ऑरेंज पे जाएंगे, ऑरेंज कलर पे, और यहाँ पे ह्यू को थोड़ा डाउन कर रहा है ताकि हमारी जो फेस है स्किन टोन वो थोड़ी रेड हो जाए। उसके बाद सैचुरेशन को थोड़ा डाउन करेंगे और ल्यूमिनांस को इंक्रीज़ कर देंगे ताकि यहाँ पे जो हमारी फेस टोन है स्किन टोन वो थोड़ी ब्राइट हो जाए। उसके बाद हमें येलो कलर पर जाके यहाँ पर एडिटिंग करनी, तो येलो पर जाएंगे और यहाँ पर ह्यू को फुल 100 पे कर देना है और यहाँ पर सैचुरेशन को -100 पे, तो -100 पे कर देंगे। तो यहाँ पे येलो की भी हो चुकी है। उसके बाद ग्रीन पे जाएंगे और यहाँ पे ग्रीन पे हमें ह्यू को फुल 100 कर देना है और सैचुरेशन को थोड़ा इंक्रीज़ करना है, तो अप्रॉक्स इतना रख लेंगे सैचुरेशन को और ल्यूमिनांस को भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेंगे, तो यहाँ पे परफेक्ट है। उसके बाद स्काई ब्लू कलर पर जाएंगे और यहाँ पर थोड़ा सा सैचुरेशन को इंक्रीज़ करेंगे और उसके बाद ब्लू पर जाके ह्यू को थोड़ा डाउन करेंगे और सैचुरेशन को इंक्रीज़ करेंगे। तो यहाँ पर कलर एडजस्टमेंट भी बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगी, सैचुरेशन को इंक्रीज़ कर लेंगे तो यहाँ पे कलर एडजस्टमेंट हो चुकी है। उसके बाद हम डन पे क्लिक कर देंगे तो हमारी जो फोर्थ इफेक्ट है वो भी अप्लाई हो चुकी है फोर्थ स्टेप की। उसके बाद हमें थोड़ा क्लैरिटी ऐड करना है तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर टेक्स्चर को थोड़ा बढ़ाएंगे 15 के अप्रॉक्स और उसके बाद क्लैरिटी को भी 15 के अप्रॉक्स रख देंगे हम और यहाँ पर थोड़ा सा डिहेज को कम करना है -10 और विगनेट को भी थोड़ा डिक्रीज़ करना है, इतना रख लेना है हमें विगनेट को।
और उसके बाद मिड पॉइंट को भी थोड़ा सा डिक्रीज़ करेंगे, तो इतना काफ़ी है। उसके बाद हमें ऊपर यहाँ पे स्प्लिट टोन का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर हमें क्लिक करना है। और यहाँ पे जाने के बाद आपको हाइलाइट्स और शेडोज दो तरह की टूल्स यहाँ पे मिलेगी। तो आपको हाइलाइट्स पे टिंट कलर पे रख देना है सैचुरेशन 20, और शेडोज पे ऑरेंज पे रखना है सैचुरेशन आपको 10 के अप्रॉक्स रख लेना है। तो यहाँ पे स्प्लिट टोन की भी एडिटिंग हो चुकी है, देन हम डन पे क्लिक कर देंगे। तो हमारी एडिटिंग बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। अब थोड़ा सा हम शार्पनिंग और नॉइस रिडक्शन डाल देंगे। तो शार्पनिंग बढ़ा लिया और नॉइस रिडक्शन को भी डाल लिया। तो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट हमारी जो फ़ोटो है जैसे हमने प्रीसेट पे की थी, वो बिना प्रीसेट के भी हमने एडिटिंग कर ली लाइटरूम ऐप पे। तो गैस उसके बाद सेव करने के लिए आप जान रहे हो सेफ्टी डिवाइस पे क्लिक करोगे तो सेव हो जाएगी। तो गैस बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है, आप इसको ज़रूर से ज़रूर यूज़ करें। और आपको इसी तरह की वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए गैस मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।